गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आर टुडेज लेक्चर वी बी कवरिंग यूनिट टू सेशन टू यूनिट टू का सेशन टू यूनिट टू है आपका सेल्फ मैनेजमेंट और सेशन टू है नोइंग और स्ट्रेंथ है वीकनेसेस इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन सेशन वन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड टूडे वील रिकवरिंग नोइंग स्ट्रेंथ है वीकनेसेस ऑफ सुमिता अरोड़ा ओके अब ये चैप्टर डील किस ये सेशन सॉरी डील कर रहा है आपके कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं बिकॉज इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देन यू कैन अचीव एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट ओके और सेल्फ मैनेज्ड पर्सन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आराम से एनालाइज कर सकता है ठीक है और कहते हैं अपने आप को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है बजाय दूसरों के, है ना तो कहते हैं व्हेन वी नो वट आर स्ट्रेंथ आर वट आर वीकनेसेज आर हाउ वी कैन ओवरकम आ फीयर्स हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड सो फॉर आर ग्रोथ जर्नी बिगिनस कहते हैं हमारी ग्रोथ की जर्नी मतलब कि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जब हम कोशिश करते हैं जानने की कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं मैं अपने वीक पॉइंट्स को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ है ना मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ जब हम ये बातें सोचने लग जाएंगे बेटा तो हमारी सोचो जर्नी स्टार्ट हो गई है और जब हम किसी जर्नी पे स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचते हैं अगर बस में बैठ जाएंगे करनाल जाने के लिए तो पहुंचेंगे ही ना करनाल ठीक है तो कहते हैं वेन वी वी नो वी ट्राई टू नो अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इट मीन्स अवर जर्नी हैज स्टार्टेड और जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसिस को पता कर लेते हैं ठीक है तो इट मीन्स हम अपनी और सॉरी uh, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता कर लेते हैं और स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाते हैं और वीक पॉइंट्स को ओवरकम करते हैं या उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं इट मींस हम लोग अपनी जर्नी को जर्नी की डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और नेचुरली द पर्सन मूव्स टुवर्ड्स इट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ एंड इज एबल टू अचीव हिज और हर गोल्स एंड इन दिस आर कवरिंग द होल नोइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्किल है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट की एंड वी शुड नो अबाउट वन सेल्फ हर एक को अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए नोइंग वन सेल्फ का मतलब है मीन्स कामली ऑब्जर्विंग और सेल्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना क्या ऑब्जर्व करना कि हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं बिलीव्स हैं इमोशंस हैं फीलिंग्स हैं बिहेवियर है ठीक है एंड मैनी थिंगज नोइंग सेल्फ टेक कॉन्शियस एफर्ट एफर्ट मीन्स आपकी कोशिश होगी इसमें तभी आप जान पाओगे अपने आप को क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये नहीं कि हम आप या हम हम सबका यही होता कि हम दूसरों को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं बजाय अपने आप की लेकिन अगर हम अपने आप को एनालाइज करें अच्छे से बारीकी से तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग द अदर पर्सन बिकॉज क्यों क्योंकि अभी हमने कहा बिकॉज इट विल स्टार्ट आर ग्रोथ जर्नी इफ वी स्टार्ट नोइंग आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और वी स्टार्ट नोइंग अब और स्टार्ट ऑब्जर्विंग आर सेल्फ इन अदर वर्ड्स वी कैन से नोइंग वन सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारी ड्रीम्स क्या हैं डिज़ायर क्या है इंटरेस्ट क्या है मेरी लाइक्स क्या हैं डिसाइक्स क्या हैं हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं क्या मैं टॉलरेट करता हूँ मेरी लिमिटेशंस क्या हैं हमारी क्या सोच है मुझे मैं किसको को प्रायोरिटी देता हूँ मेरे रिलेशनशिप किस सबके साथ कैसा है ठीक ठीक है ना ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं नोइंग अबाउट और सेल्फ तो हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए स्ट्रेंथ बेटा क्या होती, Qualities होती है क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं और वीक वीकनेसेस क्या होती है एरिया होता है होल्ड अस बैक जो हमें रोकता है हमारी ग्रोथ की तरफ जाने के लिए एंड नॉट लेट अस परफॉर्म एज आर ट्रू पोटेंशियल पोटेंशियल मींस हमें क्या स्ट्रेंथ है हम कितना काम कर सकते हैं कहते हैं जो वीक पॉइंट्स हैं हमें अपना पूरे पीक पॉइंट तक पोटेंशियल को वर्क करने में या वर्क करने से रोकता है बेटा ठीक है तो ये होगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की डेफिनेशन तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने आप को एनालाइज करना है आप तभी एनालाइज कर सकते हो अपने आप को जब आप अपने बारे में एक एक चीज़ बारीकी से सोचोगे और क्या करना चाहिए जैसे ए फिफ्टी थ्री पेज पे दे रखा है यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करो और कहते हैं स्ट्रेंथ आ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू अस वो एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप भगवान हमें देता है कुदरत देता है वी नीड टू टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट बस हमें उसके बारे में सोचना है अबाउट वाट कम्स नेचुरली जो नेचर की तरफ से आ रहा है हमने कोई काम थोड़ी करना है ठीक है सम वन मे बी गुड एट स्टेइंग फोकस्ड ऑन गोल्स विच मीन इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि डिस्ट्रैक्शन चाहे कितनी हो, हो फिर भी वो अपने गोल की तरफ ध्यान रखता है लेकिन एक दूसरा पर्सन है जैसे ही डिस्ट्रैक्शन है वो अपने गोल से हट जाता है ठीक है इट मीन्स उसके वीक पॉइंट है दूसरे का क्या है जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता उसकी वो स्ट्रेंथ है तो उसको तो कोई एफर्ट करने ही नहीं पड़े क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ है लेकिन वीकनेस है जिसकी उसको तो स्ट्रें अपनी एफर्ट्स uh, करने ही पड़ेंगे तो स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी है जो गॉड गिफ्टेड होता है जिसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता बट हाँ उसे मेंटेन ज़रूर करना पड़ता है और वीकनेसेस के लिए हमें रिमूव करने के लिए हमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो हमें वन शुड फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सेम एंड साइड बाई साइड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव अप ऑन वीकनेस वीकनेस को रिमूव करने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको हमें स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है अब वर्किंग विद एफर्ट्स डज नॉट नीड टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने हमारे टाइम कोई खर्च नहीं हो रहा कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे लेकिन ठीक है वीकनेसेस के लिए हमको करना पड़ता है तो ये ए फिफ्टी थ्री पेज पे, 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 पे यही कह रहे हैं कि अपनी अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो तो एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स एक चार्ट बनाओ जिसके अंदर अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखा रहा कि एक साइड स्ट्रेंथ लिखो वीक पॉइंट बीच में लाइन की स्ट्रेंथ के पॉइंट्स लिखो अपने और अपने वीक पॉइंट्स को अलग से मेंटेन करो ठीक है और फिर अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करो ठीक है एबिलिटीज क्या होती है नेचुरल स्ट्रेंथ्स डेट कम ईजली टू यू विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स आर द नेचुरल स्ट्रेंथ हैं डेट कम ईजली टू यू विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स वो आपके पास आ जाते हैं बिना कोई एफर्ट किए हुए और इंटरेस्ट क्या होते हैं एक एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप इन्जॉय करते हो करने के लिए आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है एबिलिटी मीन्स स्किल्स आपकी आ नेचुरल स्ट्रेंथ आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एबिलिटीज़ आर द नेचुरल स्ट्रेंथ डैट कम ईजिली टू यू विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स वो हमारी स्ट्रेंथ है जो अपने आप आ जाती है और इंटरेस्ट मीन्स जिसको हम वो ऐसी एक्टिविटीज जो हमें करने में अच्छा लगता है ठीक है तो कहते हैं तो हमें अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए और कहते हैं वी ऑल आर बॉर्न विद सम नेचुरल स्ट्रेंथ हर एक पर्सन की एक अपनी एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं इनहेरेंट मीथ जो हमने अपने पेरेंट्स से ली हैं ये क्या होती है एबिलिटीज़ होती हैं सो एबिलिटी समथिंग डेट कम नेचुरली लिसनिंग स्किल हो सकती है ठीक है इट इज़ हम लोग कह सकते हैं कि एबिलिटी है सिमिलरली क्विक ग्रेस्पिंग ऑफ एनी थिंग इज़ ए भी एग्जाम्पल किसका एबिलिटी क्या है इंटरेस्ट ऑन द अदर हैंड हो गया कोई भी ऐसा काम है ना जिससे हमें अच्छा लगे या डूइंग और वर्किंग ऑन द इंटरेस्ट गिवस अम्पल इन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन टू अ पर्सन अच्छा वन मे इंटरेस्ट इन वेरियस फील्ड वन मे इन्जॉय कुकिंग एट होम वेल अदर लव्स टू गो लॉन्ग राइड्स वन मे लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स इट कैन बी इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए अपनी इंटरेस्ट एंड एबिलिटी हेल्प टू मेक डिसीजन इन गैर गोल तो कहते हैं अगर हमें ये चीजें पता है तो क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें और अच्छे से काम कर सकते हैं जिसमें हमारी एबिलिटी है हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पहले से वो चीज मिली हुई है तो हम आई थिंक वी कैन डू मोर वंडर इन प्लेस ऑफ द वर्क विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट तो कहते हैं उसमें हम ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं तो तभी हम ग्रोथ करेंगे जब हमें पता होगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेसेस क्या है मेरा इंटरेस्ट क्या है मेरी एबिलिटीज़ क्या है सो इन ऑर्डर टू गो फॉर एनी वर्क सो द की पॉइंट इज दे वॉन्ट टू से इन सेशन टू कि सेल्फ मैनेज्ड पर्सन वो होता है जिसको अपनी ऊपर कंट्रोल हो और अपने ऊपर जब कंट्रोल होगा तो वी तो आर एबल टू अचीव गोल लेकिन गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्किल्स हैं उनमें से एक स्किल कौन सी है हमारी डेट इज़ टू नो और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन ऑर्डर टू अचीव आर गोल्स ओके थैंक्स बेटा वी विल कंटिन्यू फरदर इन आर नेक्स्ट लेक्चर